देश भर की सारी खबर, हर खबर उतरेगी सच्चाई की कसौटी पर। खबर हो राजनीति की या बॉलीवुड की, खेल की या क्राइम की, हर पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए यूपी लाइव 100 न्यूज। विधायक प्रतिनिधि ने चारगा में लगाए पौधे, काफी संख्या में लोग रहे मौजूद। रुपैडिया बैरेज विकास खंड नवाबगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत सिरसिया से बने गौशाला। चारगा में विधायक मधुरी वर्मा के पति पूर्व विधायक दिलीप वर्मा ने लगाया पौधा। शासन द्वारा चारगा में 5,000 पौधे लगाने का दिया गया था लक्ष्य। इस मौके पर ग्राम प्रधान सहित जिला पंचायत सदस्य संदीप जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बंटू हरिश्चंद्र, वरिष्ठ समाज सेवी हाजी मोहम्मद अनवर सहित सैकड़ों लोग रहे मौजूद। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि पेड़ मनुष्य के जीवन का मूल अंग है। हर व्यक्ति को अपने घर खेत में पौधे जरूर लगाना चाहिए। पौधे का से ही ऑक्सीजन मिलता है। मानव जीवन में पौधे का अहम योगदान दिया गया है। बरे से अहमद हुसैन की रिपोर्ट। उपस्थित सभी सम्मानित महानगर क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, साथियों, ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी महोदय, जिसकी वजह से आने का मौका मिला। हमारे बहुत ही शुभ चिंतक इस ब्लॉक की वीडियो पंचायत आदरणीय सिंह साहब, पशु अधिकारी महोदय, ब्लॉक के और सभी पंचायतीगण, पत्रकार साथियों उपस्थित जो पेड़ लगा रहे हैं, साथ ही सभी प्रणाम करते हैं। ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारी सरकार का, योगी मोदी का शानदार भारत बने, शानदार उत्तर प्रदेश बने, इसलिए पूरे प्रदेश में योगी बाबा ने आदेश दिया है। आज पर्यावरण दिवस है, गांव गांव वृक्ष लगाने का काम हो रहा है, उसी क्रम में यहाँ वृक्ष लगाया जा रहा है। हम तो यहाँ के ग्राम प्रधान जी से, वीडियो साहब से एक आग्रह करेंगे कि जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उनकी हर हालत में सुरक्षा हो, कोई पेड़ सूखने ना पाए। और ये पेड़ केवल पेड़ नहीं है, ये जीवनदायक है। ये जो ऑक्सीजन देते हैं उसी से हम सब जिंदा हैं, इसलिए इन पेड़ की हिफाजत भी हम सबों की नैतिक जिम्मेदारी है। कुछ पेड़ ऐसे हैं जैसे पीपल, बरगद, पाकड़ और नीम, एक अर्जुन का जो पेड़ होता है, ये सब 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। बाकी पेड़ रात को कार्बन छोड़ते, रात को ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन हम लोग भी रात को समझो कार्बन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बस उनको होता है। कहने का मतलब ये है, पेड़ नहीं रहेंगे तो हम सब लोग जिंदा नहीं रहेंगे, और पेड़ नहीं रहेंगे तो पानी नहीं गिरेगा। तो हम सब लोग जंगल के किनारे बैठे हैं संयोग से, और पुरैनी गाँव सुबह बहुत अच्छी लगी। जंगल देख कर अच्छा लगा यहाँ।